नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपाचे वेब सर्वर क्या होता है। अपाचे की शुरुआत 1995 से हो चुकी थी। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं तो आप अपाचे वेब सर्वर का नाम सुनेंगे। अपाचे वेब सर्वर को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे HTTP सर्वर, और विंडोज़ OS में इसे IIS सर्वर के नाम से जानते हैं। अब ये सर्वर अपाचे सर्वर क्या होता है, इनको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपाचे वेब सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हमारे जो जेंगो के नॉर्मल डेवलपमेंट सर्वर होते हैं या फिर नोड के सर्वर होते हैं, क्या वो सब काफ़ी नहीं है। इंटरनेट पर अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे या कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो किसी न किसी वेब सर्वर के ज़रिए ही वर्क कर रहा होता है। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ अलग अलग सर्वर में स्टोर करके रखती हैं, तो वहाँ ये सभी सर्वर को एक लैन एनवायरनमेंट में रखना होता है। अपाचे सर्वर अगर किसी HTTP URL को सर्व करता है तो पोर्ट नंबर 80 पर रन करता है, और अगर अपाचे सर्वर किसी HTTPS URL को रन करता है तो यूज़ करता है पोर्ट नंबर 443। अगर आप अपाचे के डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं तो वो पुराने ज़माने के कोड से इंस्पायर्ड होता है, यानी कि कुछ कुछ HTML टाइप का सिंटैक्स देखने को मिलता है अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। दोस्तों, जब भी आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली होस्ट करते हैं, फिर चाहे वो आप सिंपल सा ब्लॉग ही क्यों ना हो, अगर आप इसे बहुत ही सीरियस बिजनेस मान के रन करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके यूज़र को एक सेकंड का भी डाउन टाइम ना आए। अपाचे बहुत पॉपुलर वेब सर्वर है, यह आपको इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में मदद करता है। अगर आप पाइथन जेंगो में काम कर रहे हैं तो पाइथन मैनेज एंड pywren सर्वर कर देते हैं और वो एक पोर्ट पर खुल जाता है एक सर्वर, और वो ऑनलाइन हो जाता है, और आप लिंक शेयर कर देते हैं कि ये मेरी वेबसाइट या मेरा सॉफ्टवेयर है और ये इस सर्वर पर वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जेंगो का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो बना ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो प्रोडक्शन में एप्लीकेशन को सर्व करने में बिल्कुल भी कारगर नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए बहुत थोड़े से यूज़र, लगभग 30-40 यूज़र भी आ गए आपकी वेबसाइट पर, तो वो बहुत आसानी से क्रैश हो जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट भी अपाचे वेब सर्वर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें अपने सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने का ऑप्टिमल तरीका होता है, और उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है उसकी हेल्प से आप बड़े आराम से स्टैटिक फाइल को सर्व कर सकते हो बिना अपने एंड से कोई भी कोड लिखे। इसके ज़रिए वर्चुअल होस्टिंग बनाकर एक ही सर्वर पर 10-10 वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हैं, वो भी अलग अलग डोमेन्स के साथ। इसके लिए आपको नेम बेस्ड होस्टिंग करनी होती है। अब बात करते हैं कि अपाचे को अपने विंडोज़ मशीन में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक ऑटोमेटिक इंस्टॉल और दूसरा मैनुअली इंस्टॉल। ऑटोमेटिक सेटअप बहुत सारे हैं, आप ज़ैम्प के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि साथ ही साथ आपको अपाचे सर्वर, PHP और MySQL तीनों एक साथ इंस्टॉल होते हैं। लेकिन मैं आपको अपाचे सर्वर को विंडोज़ में इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए आपको एक URL है जो कि अपाचे का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करना होगा एक सेटअप। URL है http://www.apache.com/
apache.org/download.cgi। इस URL पर जाना है। यहाँ से आपको विंडोज़ के लिए लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर अपाचे हॉर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप अपनी OS के अकॉर्डिंग 32 बिट या 64 बिट की फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिए। एक ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अपाचे 24 नाम के फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट करने पर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स शो होंगे, जिसमें से 3 फोल्डर्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे बिन, कॉन्फ और htdocs। बिन फोल्डर में httpd नाम की फाइल ही आपका एक्चुअल सर्वर है, जो कि इस लोकेशन में स्टोर रहता है। कॉन्फ नाम का फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी होता है और htdocs सर्वर का होम डायरेक्टरी होता है। अगर हमें कोई वेबसाइट को होस्ट करना है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, तो हमें उस वेबसाइट की फाइल्स को इस डायरेक्टरी में रखना होता है। इसके बाद आपको पाथ सेटिंग करना है, यानी कि आपके विंडोज़ को पता होना चाहिए कि जिस सर्वर को रन कराना चाहते हैं उसका लोकेशन क्या है। इसके लिए आपको सर्वर की लोकेशन यानी httpd फाइल का पाथ कॉपी करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पेस्ट करना होगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऑप्शन में जाने के लिए विंडोज़ में दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए। अब इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। अब एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इसमें सिस्टम वेरिएबल्स वाले पोर्शन में पाथ नेम की एंट्री ओपन करना है और ब्लैंक सेल में httpd फाइल का पाथ पेस्ट कर देना है और इसे ओके करके पॉपअप विंडो को क्लोज कर दें। ऐसा करने के बाद आपको सर्वर ओपन करना है। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब एक कमांड टाइप करेंगे httpd और एंटर कर देंगे। अगर आपने सर्वर की सेटिंग सही से की हुई है और कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो ये httpd कमांड टाइप करके एंटर करने पर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया होगा। अब अपने विंडोज़ में ब्राउज़र ओपन करके चेक करना है कि सर्वर रन कर रहा है या नहीं। इसके लिए एड्रेस बार में टाइप कीजिए लोकल होस्ट और एंटर कर दीजिए। ऐसा करने पर अपाचे सर्वर का डिफ़ॉल्ट होम पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पीसी में अपाचे सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है और रन होने लगा है। अगर आप चाहें तो ये डिफ़ॉल्ट होम पेज चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट होम पेज कैसे चेंज करें या डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कैसे चेंज करें, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको अपाचे वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।